हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्राइंग ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। तो शाहरुख खान का बर्थडे आ रहा है, तो इसीलिए हम शाहरुख खान का 9 कैरेक्टर इन 1 ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए। फर्स्ट मैं यहाँ पे एक शाहरुख खान का फ्री हैंड आउटलाइन बना लूंगी। आप लोग चाहो तो यहाँ पे ग्रिड मेथड का भी यूज कर सकते हो। रेफरेंस पिक के लिए आपको यहाँ पे कोई टेढ़ी स्माइल वाली या फिर साइड एंगल वाली पिक नहीं लेना है आपको। इस ड्राइंग के लिए आपको एक स्ट्रेट और सिंपल पिक ही चाहिए, नहीं तो आप सारे कैरेक्टर्स के साथ मैच नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आउटलाइन को बना लेती हूँ। और हाँ, आपको यहाँ पे क्लॉथ और हेयर्स भी नहीं बनाने हैं, वो हम अलग से कैरेक्टर्स के साथ बनाएंगे। तो गाइज, आउटलाइन ऑलमोस्ट डन, अब हम इसको कलर करेंगे। तो गाइज, मैं यहाँ पे कलर के लिए वाटर कलर का यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल कलर से ज़्यादा मैं वाटर कलर से ही अच्छे से कर पाती हूँ, इसलिए मैं वाटर कलर से ही कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो पेंसिल कलर से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कैमल का आर्टिस्ट वाटर कलर। स्किन टोन के लिए मैंने यहाँ पे क्रिम्सन लेक व्हाइट और लेमन येलो को मिक्स कर लिया है। एंड डार्क एरियाज दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन को मिक्स कर लिया है। और लाइट एरियाज दिखाने के लिए क्रिम्सन लेक और लेमन येलो के साथ व्हाइट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। एंड आखिर में कलर करने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आई नो दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट कर भी कर सकते हो। चलो जल्दी जल्दी पहले इस ड्राइंग को कम्प्लीट कर लेते हैं। तो ब्लेंडिंग के बाद जहाँ पर शेडो है वहाँ पर फिर से एक बार ब्राउन कलर से डार्क कर देंगे। अब हम आईब्रोज और आईज बनाएंगे। आईब्रोज में मैं पहले ब्राउन कर लूंगी, उसके बाद ब्लैक से शेडिंग करूंगी। आईज के लिए भी सेम प्रोसेस का यूज करूंगी मैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया गाइस, अब हम एक सेलोफेन पेपर का शीट लेंगे। अब मैं इसको एक एक करके पेपर साइज के अकॉर्डिंग 9 पीसेस में कट कर लूंगी। देन इस प्लास्टिक शीट पर ड्रॉइंग करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे शाहरुख खान के 9 मूवी लुक की पिक को डाउनलोड कर लिया है। पहले मैं शाहरुख खान की बाजीगर मूवी लुक को ड्रॉ करूंगी। मेरे पास इस टाइम परमानेंट मार्कर नहीं है, इसलिए मैं जेल पेन से ही ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोग परमानेंट मार्कर से ही आउटलाइन बनाने की कोशिश करना। पहले हम पेन या फिर मार्कर से हेयर और क्लॉथ के आउटलाइन को बना लेंगे, उसके बाद एक्रेलिक कलर से उसको कलर कर देंगे। इस टाइप के ड्राइंग को बनाने के लिए आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देन आउटलाइन बनाने के बाद मैं अब इसको अच्छे से कलर करूंगी। आप लोग बताओ आपका फेवरेट शाहरुख खान की मूवी कौन सी है। क्लॉथ को भी हम ऐसे ही पहले बना लेंगे, देन हम इसको भी कलर कर लेंगे। अब मैं DDLJ लुक बना रही हूँ, इसको भी हम सेम पहले आउटलाइन बना लेंगे, उसके बाद कलर कर लेंगे। ऐसे ही मैं 9 कैरेक्टर्स को ड्रॉ कर लूंगी। आप लोग जितने कैरेक्टर्स चाहो उतने कैरेक्टर्स बना सकते हो। चलो अब फ्लिप करके देखते हैं कैसा लगता है। गाइस, मैं यहाँ पे सॉन्ग ऐड नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट पर बताना कैसा लगा। एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।